हेलो भज्जारो, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जाने वाले हैं देवगांव, क्योंकि आज हमारे गांव का टूर्नामेंट है। तो हम लोग आज जा रहे हैं टूर्नामेंट देखें। तो चलो चलते हैं, हमारे कॉन्टेंट तो आ चुके हैं, ये बैठे हैं दोनों। सबसे पहले अपन पारो को निकालते हैं, क्योंकि रग्गो को आज मोहित लेके जाएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपन लोग अब देवगांव। और ये रहे हमारे छोटे वाले भाई मोहित। Oh no. एक नंबर के टबाकी है बिल्कुल ये तो। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अब पहुंच चुके हैं स्टेडियम पे, और दिखाते हैं आप लोगों को मैच। अरे ट्राई, ये देखिए दोस्तों, ट्राई अभी ये प्रैक्टिस वगैरह कुछ कर रहे हैं। और ये रहे सबके सब, यहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ है सब बकायदे। ये सब बैठे हैं बकायदे, खाना पीना खा रहे हैं, बक्सा ये रखा हुआ है, और लड़के सब ये रहे। सब लड़के ये रहे बकायदे बिंदास, सब बिल्कुल तैयारी सब हो चुकी है। ये रहे, और हमारी टीम के लड़के सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सब रहे हमारी टीम के सब बंदे ये बैठे हैं। और ये देखिए दोस्तों, देवगांव की टीम के एक और बंदा अपन को मिल चुके हैं अब। और ये वाह भाई, देखो क्या मुस्कुराहट है भाई साहब की, देखो ये। और ये खड़े हैं मिस्टर अघोरी, नीली शर्ट में देख सकते हैं आप लोग, अघोरी। तो दोस्तों सभी टीम अब यहाँ पर आ चुकी हैं। ये हमारे लड़भैर आ चुके हैं अब, मिस्टर शिवम जी, गुरुजी। ये देखिए सभी टीम आ चुकी है, ये देखिए बिल्कुल इतनी झुंड जैसे खड़े हुए हैं। और ये रहे हमारे आर्मी मैन। अरे भाई, ये भाई ये आर्मी का सब चीज पास कर चुके हैं, बस थोड़ा सा कुछ और बाकी है। क्या बाकी है भाई? रिटर्न बाकी है। चलो ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये सब टीम खड़ी हुई है, ये देखिए। अब हमारे गुरुदेव नारियल वगैरह फोड़ेंगे, शायद हमको भी बची कुछ ही मिल जाए, देखते हैं। अरे यार राज, जल्दी बुला लिए यार। ये कहाँ की टीम भाई, कहाँ की हो? महंगमा। अच्छा, और ये महंगमा की टीम है, जितनी ब्लैक टी शर्ट में देख रहे हैं। छक्का महंगमा वाले कहाँ खड़ी यार? आड़ी की ये हमारे किसी मित्र को नहीं लाया तुम? कौन से मित्र? आदित्य साहिल। हाँ भाई, और ये रही अपनी पिच। ये देखिए सभी वगैरह, टीम वगैरह सब खड़ी हो गई है लाइन से। ये सब हरदुआ के बंदे काफी बीच बीच में घुसे हैं, महंगमा के भी बंदे बीच बीच में घुसे हुए हैं, और गुरुदेव हमारे नारियल फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फूट नहीं पा रहा है। और ये हरदुआ कहाँ के हो भाई लोग? भटिया। चलो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। दोनों बिल्कुल बड़े जज्बा जुनून वाले हैं। अच्छा, भटिया समझ गया ना, रशीद भाई लोग भटिया ही के हैं ना? जी, अभी तो आपके वहाँ हुआ भी है जी, घुघरा में। ये यार नाइजर है। हाँ, वो तो इमरान भाई लोग, रशीद भाई वहाँ के पूर्व सरपंच। जी जी। अब भैया नारियल फोड़ेंगे, क्योंकि आज से टूर्नामेंट स्टार्ट है। जिसको भी भाग लेना हो देवगांव में आ सकता है, भाग ले सकता है। 1000 रुपये से एंट्री है, और जीतने वाले को 10000 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, टास्क करा लो ना, आप आ गए। ये पूजा वगैरह हो चुकी है, अब नारियल फोड़ने की बारी। जय हो, बहुत सही भाई, खाए पिए जैसे ताली बजा दो यार। ये वैज्ञानिक है कि प्राकृतिक है, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान जब जिस चीज को सफल करना चाहते पूरा प्रसाद ले लिए, पूरा ले लिए भगवान। कुछ भी नहीं निकला,
जा भाई अनुभवी। देखिए दोस्तों अब रिबन कटने वाली है। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया आप लोगों वाद विवाद की स्थिति अगर कोई चीज होती है तो आपसी सामंजस्य से उसको वो कर ले, है ना। अपन कहीं बाहर के नहीं है, चाहे इमरान भाई हो चाहे राज लोग हो, सब आपस के लोग है ना। क्या 19-20 गलतियां सबसे होती है। टूर्नामेंट आप कहीं भी कराओ 19-20 सब जगह से होता है। सहयोग की भावना से खेलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी भैया लोगों का सहयोग तो भरपूर है, ठीक भैया। हम दोनों टीम के और जितनी भी टीम यहाँ हमारे गांव में आएंगी, हम सबके बड़े सहयोगी रहेंगे। आप सब लोग हमारे अतिथि हैं, हम सब लोगों का बड़ा सहयोग करेंगे। आप सबके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस नए लोग हैं, नौजवान साथी है, युवा पीढ़ी है, जज्बा जुनून थोड़ी ज्यादा रहता है। वो जुनून और जज्बा अपना खेल के प्रति हो, आपसी बैनमनुष्यता और ईर्षा भावना ना हो, प्रतिस्पर्धा पूरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल मिलजुल कर खेले और अपने इस जगहों के टूर्नामेंट के इस कार्यक्रम को प्रयास करें कि सबसे अच्छा बने, सबसे बेहतर इस टूर्नामेंट को बनाने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे और आपस में मिलके बहुत अच्छा खेलेंगे। और हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत देवगांव और अगल बगल के 20-25 गांव जो है हमारे देवगांव से जुड़े हैं, सभी गांव आप लोगों के पूर्ण सहयोग में रहेंगे। आप लोग अच्छे से खेलें और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा खेलेंगे और ऐसी कोई स्थिति ही ना आएगी। और कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे वरिष्ठ जन, हमारी टीम के अध्यक्ष, सचो, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब मिल बैठ के समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है भाइयों जी। थैंक यू। खेलिए ना, खेलिए खेलिए खेलिए। बुल्ली सेट खिला दो। अरे बुल्ली वो तो अच्छा करता है। जल 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 खिला भैया, खेलिए। आप प्रसाद बना लेना। अब भुल्ली भैया बॉल डालने वाले हैं, बिल्कुल गोली की रफ्तार से सनसनाती हुई बॉल आती है। ये आई बॉल, वाह वाह भैया, जो मैच खिलवा रहे हैं वही पहली बैटिंग कर रहे हैं, मतलब जो टूर्नामेंट करा रहे हैं वही थोड़ा सा ट्राई अभी कर रहे हैं थोड़ा सा। दोस्तों अब टॉस होने वाला है। कौन बॉल करेगा? जैसे कौछला, अरे भगवान विचित्र गति करता है यार। नारियल में भी भगवान ने कुछ ना दिया, इसको भी देता में ढक दिया। क्या है? चलो हेड बैटिंग बैटिंग करोगे? कौन जीता? भटिया टीम, भटिया टीम जीत चुकी है दोस्तों। भटिया टीम बैटिंग करेगी। क्या लोगे? बैटिंग लोगे, बॉलिंग लोगे? बैटिंग ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई। देख सकते हैं दोस्तों ये क्या ही हो रहा है, हेल्प चल रहा है। मेरे को कुछ और लग रहा है भाई, कुछ फीलिंग विलिंग तो नहीं आ रही है, है? नहीं आ रही है। काश कोई लड़की यार करती होती तो आ ही आती। चलो ठीक है, जाओ लग जाओ बिंदास फील्डिंग में। तुम भी जाओ, नहीं लग रहे हो क्या फील्डिंग में? क्यों क्या? अच्छा हाँ, पैर से तुम थोड़ा सा तकलीफ है तुमको। और बाकी लोग कहे बैठे हैं भाई? पंद्रह टीम के हैं। पंद्रह टीम के मतलब क्यों? तुम लोग कहे बैठे हो भाई? लोग जो ना रहेगा उनके बल्ले खेलेंगे। पबजी भी खेलोगे? पांडू है ना, इसको ना खिलाएंगे। पांडू कौन है? सुजीत। सुजीत तुम पांडू हो? अरे बड़े भाई दिखाओ शक्ल, दिखाओ। वो मिलेंगे नहीं, कह के दीपावली आ गई है का रन वाला घाटा मैच। अरे तो होगा ना, इससे अच्छा तो कछु नहीं है। दोस्तों 10 ओवर का मैच है और क्या है गुरुजी? 3 ओवर का पावर प्ले हाँ। और पर बॉलर दो दो स्टोरी भजा के तिलंग वीडियो बनाओगे।
तो दोस्तों बैटिंग करने वाले हैं कौन, इमरान अनिल, और बॉलिंग कौन कर रहा है, करण कोरी। चलो अच्छा है, शुरुआत ही चार रन से हुआ। जैसा कि आज पहला मैच हरदुआ वर्सेस भटिया के बीच खेला जा रहा है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भटिया ने निर्धारित 10 ओवरों में 97 रन बनाए और हरदुआ को 98 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में हरदुआ की शुरुआत थोड़ा खराब रही और शुरुआती झटकों से उभरते हुए पहले ओवर की समाप्ति पर हरदुआ टीम का स्कोर 5 रन और अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आ रहे बॉलर्स नेम जानना चाहेंगे अतुल, उनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार करें डाउन स्ट्राइक बल्लेबाज राज। फटकी हुई गेंद से कट कर दिया और फील्डर है, हल्की सी मिस फील्ड, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन दौड़ते हुए एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दो रन तीसरे रन की कवायद और बहुत ही शानदार रन बिटवीन द विकेट्स राज और करण के बीच और इन हल्के फुल्के कदमों से दौड़ते हुए 3 रनों को पूरा किया और इन 3 रनों की सहायता से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 8 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ही ओवर प्रगति पर। बारेलाल चले जाओ तुम, मिला हालांकि पे खिलाड़ी ने उनका कैच छोड़ दिया था, होम ग्राउंड में कुछ बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश नहीं कर पाए हैं राज। बढ़िया खिलाड़ी है राज हलापे, लेकिन आउट होकर पवेलियन में बैठ चुके हैं और उनकी जगह आए हैं बल्लेबाजी करने। बढ़िया स्ट्रोक खेला इस बार और गेंद मच्छरियां पकड़ रहे हैं, ये तो बढ़िया फील्डिंग होती हुई वापस विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉलर्स नेम अजय आए हैं अब गेंदबाजी करने। तीन ओवर दोस्तों समाप्त हो चुके हैं और 19 रन बने हैं, 98 में शायद जीत है दोस्तों। लगता लड़ाई हो गई है टूर्नामेंट में, चलो देखते हैं क्या है हुआ भाई। बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो चुकी है लगता है, बहुत ही विवाद हो चुका है लगता है, तगड़ा विवाद हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों सभी बिल्कुल टीम के लड़के यहाँ पर आ रहे हैं अब धीरे धीरे। बहुत ही लंबा विवाद हो गया है लगता है टूर्नामेंट में, बहुत ही तगड़ा बिल्कुल लठ परानी चलने वाली है लगता है, बैट एट पड़ने वाले हैं एक दूसरे को, स्टंप उखाड़ लिए हैं। बहुत ही तगड़ी बहस हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर खदरिया है छोटी सी, कोई घुस ना जाए। क्या दे रहे हो, हरदुआ टीम जीत गई, ऑफिसर हरदुआ टीम जीत गई। मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ, फ्री सेवा दे रहा हूँ, अपना टाइम निकाल। अरे उनका बोल रहा है नहीं खेल है, मैं अपना टाइम निकाल के अपना दिल खराब कर देने नहीं हर सेवा दे रहा हूँ। टीम बाहर आ गई, तुम जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ ना, कमेंट बोल रहे थोड़ी साइड मैं आपको फोन किस वजह से लगाया था, मैं फोन किस वजह से लगाया था दोस्तों। हरदुआ टीम जीत गई, याहू टिंकल से मिलो जाके, जीत में क्या कहेंगे टिंकल 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 टिंकल, तुम जीत में क्या कहना चाहोगे? हम इतना प्रसन्न है, बिना खेले पूरा मैच जीत गए, ज्यादा क्या चाहिए, चिल्ला रहे थे यार कमेंटेटर की हमारी इतनी प्रशंसा कर रही है, चलो तुमने जीत गए, थैंक गॉड कमेंटेटर का भाई। ध्यान दे रहा हूं, सुनो
सब कुछ छोड़ के आया हूं ना यहां पे मैं। निवार 11 के कप्तान और सानू 11 के कप्तान आके कमेंट्री बॉक्स में एंट्री फीस जमा कर दो, फटाक से फील्डिंग लगाए, मैच को चालू करें। अबे मैंने जितवाया मिली हर करके बात करोगे ऐसे ही बाहर जाओगे, दोबारा कोई एंट्री नहीं। सही है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, इज्जत से ही बात करनी चाहिए। और भटिया टीम बाहर हो चुकी है, भटिया टीम हार चुकी है और हरदुआ टीम विनर हो चुकी है। काफी अफसोस की बात है कि भटिया टीम हार गई। आज इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अशिष्टता दिखाई घोघरा भटिया ने और उनको टीम मैनेजमेंट ने बाहर कर दिया, हरदुआ टीम और हरदुआ को विनर घोषित कर दिया, जो कि विजयी हो चुकी है हरदुआ। काफी जश्न में नाच रही है, देख सकते हैं आप, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ओ, फिर ये वो जीत गए।